लोकवाणी में। भिलवाड़ा लोकवाणी नगर परिषद चुनावों से पहले अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है और वहां पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से बातचीत कर रहा है ताकि जनता को ये पता चल सके कि उनके उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम आए हैं वार्ड नंबर 9 में, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंकुर जैन। उनसे जानेंगे कि वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका सबसे पहला काम क्या होगा। इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अंकुर जी आप हमें ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुनकर आता रहा है, लेकिन यहाँ की जो गलियों को मैं देख रहा हूँ, मतलब भयंकर रूप से नालियाँ खराब है, वायर खुले पड़े हैं। वायर खुले रहने से पहले यहाँ पे बच्चे की गार्डन में कैद भी हो गई थी, तो उसका भी बहुत बड़ा माहौल यहाँ बन गया था। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है, जो पिछले 15 साल से इनका बोर्ड बना, इनका चेयरमैन रहा, तो भी यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया है। जनता दुखी है बहुत, और सब लोग, मैं जहाँ भी गली में घूम रहा हूँ तो बहुत रोष है जनता के अंदर कि भाई साहब कोई काम होता नहीं है, आप आए हैं तो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इस बार कांग्रेस की सरकार है तो कुछ भी आप जैसा भी रहेगा। इसलिए मेरे को लोगों ने प्रेरित कर करके यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं आया हूँ। इससे पहले भी आपने तो चुनाव लड़ा है, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? नहीं, मैंने आज के पहले भी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में आता जाता रहा हूँ। और ऐसी कई योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य में कांग्रेस सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं चलाई हुई है जो महिलाओं के कल्याण के लिए है, घर के लिए, उन लोगों के लिए है। उन सभी योजनाओं को मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है पूरा लेबर बाहुल्य एरिया है, यहाँ पर सारे फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, उनकी वाइफ पत्नियाँ वगैरह उनकी घर पर रहती है, तो उनके लिए भी कई योजनाएं चलाई हुई है गहलोत साहब ने, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट यहाँ हो नहीं पाता है, कारण कि बीजेपी का पार्षद है वो कुछ काम करना चाहते नहीं इस प्रकार से पब्लिक के लिए। तो मेरी ये बहुत पहल रहेगी कि यदि मैं यहाँ से जीत कर आता हूँ तो आगे जो भी सरकार की योजना चलाई हुई है कल्याणकारी, महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए, तो मैं उन सब योजनाओं को यहाँ पर एप्लीकेबल करूँ कि कैसे ना कैसे करके एक जो अर्थ मिल सकता है, अर्थ सहयोग जो होता है, बहुत बहुत बड़ा सहयोग है आज की तारीख में, तो उस सहयोग को मैं पूरा यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकूँ ताकि लोगों में कुछ अर्निंग हो, महिलाएं भी कुछ पैसा उत्पन्न कर सके अपने पास में, और घर बैठे कुछ वर्किंग ऐसी करें कि अपना का भी कल्याण हो और पैसा भी अर्निंग हो। सर, हमने वार्ड नंबर 9 का दौरा किया था और लोगों से बातचीत करी थी, सबसे बड़ी समस्या लोगों की पानी को लेकर, तो इसको लेकर आपका क्या कार्य रहेगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, यहाँ पानी की समस्या भी है, उसका भी टंकी है, पानी से आता पूरा प्रॉपर पानी आ नहीं रहा है बिल्कुल। जो भी मेरे पास समस्या जो भी आएगी, मैं सुनने के बाद में यदि आता हूँ तो जो भी समस्या मेरे पास सामने आएगी, मैं उसको बहुत जल्दी से उसको निस्तारण करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चुनकर आते हैं, सबसे पहला काम कौन सा रहेगा वार्ड? सबसे पहला काम यहाँ की जो नालियाँ हैं उनकी बहुत बदतर दशा है, क्योंकि मैंने देखा सारी जो नालियाँ हैं वो मकान के पूरे नीचे सोलर लग करके पानी लग करके उनकी हो रही है, नालियाँ पूरी भरी है, गंदगी बहुत हो रही है, उसकी वजह से क्या है कि बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, बहुत सब कुछ काम यह गलत हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम यह रहेगा कि नाली और जो जिस तरह की सफाई व्यवस्था यहाँ चाहिए उसको मैं माकूल कर दूँ यहाँ पर सब। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और आप खूब काम करेंगे, मान लीजिए आप चुनाव लड़ गए और कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना तो क्या वार्ड में कोई काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे 76 वार्डों में कांग्रेस के प्रति समर्थन है, अभी बोर्ड बनाने की और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की है, तो लोगों में भी एक अच्छा भाव आया हुआ है कि यार कैसे ना कैसे, क्योंकि पुराने जो बीजेपी के जो सभापति थे यहाँ पर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, तो उसमें भी यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि 15 साल से जब बीजेपी का पार्षद यहाँ पर चुन करके आता गया है, क्योंकि इसको इस वार्ड को लोग भाजपा ही वार्ड बोलते हैं, तो जो भाजपा का टिकट लेके आता है उसको लोग जिता देते हैं लेकिन कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं। इस बार मैं अंकुर जैन यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ लोगों को, दावा करता हूँ अपने साथ में कि मैं हर पल यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर जो कमियाँ हैं उसको मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। वोट नहीं बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं चुन जाता हूँ तो मैं अपने वार्डवासियों के लिए, चाहे मेरे को केंद्र से राज्य सरकार से कुछ काम मदद करनी पड़े, चाहे गहलोत साहब से मिलना पड़े, घर के लाना पड़े, वो सब काम मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये थे कांग्रेस उम्मीदवार वार्ड नंबर 9 से अंकुर जैन, जिन्होंने ये वादा किया है कि बोर्ड बने ना बने लेकिन वो हमेशा अपने वार्ड वासियों के लिए तत्पर रहेंगे और उनके लिए हर कार्य करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर।
डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।